हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड एनिमोलॉजिस्ट। प्लैनेट वाइज आपके लिए कौन सा सेक्टर बेटर है? जिनका प्लैनेट स्ट्रांग है उनके हिसाब से कौन से सेक्टर्स आपके लिए बेटर है? अगर शुक्र आपका स्ट्रांग है, जुपिटियर आपका स्ट्रांग है, तो ऑटो सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। गुरु आपका स्ट्रांग है, जुपिटियर अगर आपका स्ट्रांग है, तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। काफ़ी सारे प्लैनेट आपके स्ट्रांग है, तो कैपिटल गुड्स आपके लिए अच्छा है। मंगल आपका अच्छा है, तो रियलिटी सेक्टर्स आपके लिए अच्छा है। बुध आपका अच्छा है, तो यस डेफिनेटली एफएमजीसी सेक्टर्स आपके लिए अच्छा है। रवि, सूर्य आपका अगर अच्छा है, तो पब्लिक सेक्टर्स आपके लिए अच्छा है। शनि और मंगल आपका स्ट्रांग है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपके लिए अच्छा है। राहु, बुध और गुरु आपका स्ट्रांग है, तो आईटी सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राहु, बुध और गुरु आपका स्ट्रांग है, तो बीएससी टेक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मंगल और शनि आपका स्ट्रांग है, तो मेटल सेक्टर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु, बुध, रवि ये आपके लिए स्ट्रांग है, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध, स्पेशली बुध जिनका अच्छा है, उनके लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके कौन से प्लैनेट कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से वर्क करते हैं, इसके लिए डेफिनेटली आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी। आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स में काम करना है, ये बताने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी।